बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के नाम क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है मल्टीपल चॉइस। पहला जी, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होती है उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन। क्या हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। डैश अलो अस टू टेक अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन। ऐसी कौन सी डिवाइस है, कौन सी थिंकिंग है जिसे हम इस्तेमाल करके कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके अंदर सोल्यूशन कैसे हम लेकर आ सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग। थर्ड है, ऑब्जर्विंग पैटर्न ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटी इन डाटा अलॉन्ग विद लुकिंग फॉर सिमिलर अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम आर। ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसे हम इस्तेमाल करके सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो जी पैटर्न रिकॉग्निशन। फोर है, फोकस ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल विद इग्नोरिंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करके हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं और जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे हम बच सकते हैं। Sometime we want to repeat an action again and again. कुछ टाइम हमें रिपीट करना पड़ता है एक्शन को अगेन एंड अगेन, which is called iteration. Sixth है, there can be only one start and dash stop symbol in flowchart. Flowchart के अंदर start और stop करने वाला symbol जो है वो एक ही है, one. The start stop box is represented by जो stop या फिर start box उसे represent करते हैं एक oval shape से। द डिसीशन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड, डिसीशन बॉक्स को हम एक डायमंड की शेप से शो करते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सी टी, सी टी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट, डैश इज द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन अनदर ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं नेस्टिंग। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है जी, एन एल्गोरिथम ऑलवेज बींग विद वर्ड स्टार्ट। जो एल्गोरिथम होता है वो हमेशा वर्ड स्टार्ट से स्टार्ट होता है, तो ये मेरे पास ट्रू है। अ डायमंड शेप द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ फ्लो चार्ट। जो डायमंड शेप होती है वो डायरेक्शन बताती है फ्लो ऑफ डाटा को, और ये मेरे पास फॉल्स है, जो डायमंड शेप है वो ये नहीं बताती। कंप्यूटेशनल थिंकिंग डज नॉट अलो द डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या करता है, वो डिवेल्प नहीं करता प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये गलत है, वो करता है, ये फॉल्स आएगा। Each step in an algorithm should be written separate line. हर एक algorithm को हम separate line में show करते हैं, तो ये true है। The follow lines can cross each other. वो जो lines follow करते हैं उसका मतलब होता है cross each other, तो ये भी true है। Like an algorithm, certain rule must be followed while drawing a flowchart. Algorithm जैसे कि rule को follow करना और draw करना flowchart को, तो ये true है, algorithm इसी के काम आता है। नेक्स्ट, सेवन है, कंकरेंसी स्लो डाउन द सॉल्यूशन। जो कंकरेंसी है वो सॉल्यूशन को स्लो डाउन कर देती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक्सप्लेन करना है, व्हाई डू थिंक इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको समझना, 51 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स सेवरल प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव। तो कंपोजिशनल थिंकिंग है वो एक ऐसा सेट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके अंदर सेवरल करेक्टरिस्टिक्स और प्रस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। कंपोजिशनल थिंकिंग अलो अस टू टेक अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो कंपोजिशनल थिंकिंग है वो अलो करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन, कि हम इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन डेवलप करता है। वी कैन प्रेजेंट दी सॉल्यूशन इन अ वे डेट अ कंप्यूटर अ ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड। हम इसे एक इंसान या फिर दोनों कंप्यूटर और इंसान के तौर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऑल्सो फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक अहम चीज़ है, ये एक अहम थिंकिंग है डिवेल्प करने के लिए प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। डीकम्पोजिशन और अब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपने बताना है, 51 और 52 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। डीकम्पोजिशन, एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट टू सॉल्व इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। डीकम्पोजिशन क्या करता है, ये एनालाइज करता है और ब्रेक करता है
प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट के अंदर और फिर इनको सॉल्व करने की अहलियत रखता है। अब्स्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल दैट जनरेट दीज पैटर्न एज वेल एज फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इररिलेटिव डिटेल्स। अब अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है जनरल प्रिंसिपल को और एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है और जो इररिलेटिव प्रॉब्लम होते हैं उससे ये महफूज रखता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल टू राइट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखने के जो असूल है वो आपने बताना है, 52 और 53 पेज के ऊपर आंसर मिल जाएगा। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग अ टास्क डन टू बी डिस्क्राइब आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। एल्गोरिथम क्या है, ये डिफाइन करता है फाइनाइट एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इनपुट जो आपने दिया हुआ है उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन आउटपुट आपको फ्राम करता है। नेक्स्ट, रूल ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम आपने साथ में लिखनी है, इट शुड बी क्लियर एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये आसान एग्जैक्ट और वेल डिफाइंड मेथड है। इट शुड ऑलवेज बीइंग विद द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद द वर्ड स्टॉप। ये हमेशा स्टार्ट के वर्ड से शुरू होता है और एंड के वर्ड पे ये रुक जाता है। ईच स्टेप इन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। हर एक एल्गोरिथम को हम अलग-अलग लाइन के ऊपर लिखते हैं। स्टेप शुड बी नंबर एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 etc। हम हर एक स्टेप को नंबर देते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोसेस टू बॉइल वाटर। राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट फॉर बॉइलिंग द वाटर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप किस तरह सोच सकते हैं कि जो पानी है उससे उबाला जा रहा है, उसका प्रोसेस आपने बताना है और उसको आपने ड्रा करना है फ्लो चार्ट के ऊपर। पेज 60 के ऊपर हमने इस फ्लो चार्ट को ड्रा किया हुआ है जी। तो ये हमने वो फ्लो चार्ट ड्रा किया हुआ है, ये स्टेप है और यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया है। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। सेकंड स्टेप पे आपने लिखना है इंसर्ट एड वाटर इन अ कैटल, ये आपने लाइन लिखनी है। थर्ड में आपने लिखना है पुट द कैटल ऑन स्टोव। स्टेप नंबर 4 आएगा टर्न ऑन द स्टोव। स्टेप 5 आएगा वेट अनटिल वाटर इज बॉइलिंग। स्टेप नंबर 6 आएगा रिमूव द कैटल फ्रॉम द स्टोव और स्टेप नंबर 7 आएगा टर्न ऑफ द स्टोव और स्टेप 8 आ जाएगा स्टॉप। ये सारे स्टेप आपने ड्रा करने भी हैं। ड्रा कैसे करने हैं, यहाँ पे जो देखिए हमें लिखा हुआ है पहला स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट आएगा। ये मेरे पास सेकंड स्टेप है तो सेकंड स्टेप में ये आ जाएगा इंसर्ट एड वाटर इन कैटल। ये थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा पुट द कैटल ऑन स्टोव। ऐसे ही फोर्थ में 4 वाला, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 और 8 में स्टॉप आ जाएगा। ऐसे आपने इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट जी, एक्सप्लेन द फैक्टरिंग प्रॉब्लम। आपने फैक्टरिंग प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। 62 पेज के ऊपर आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है द फैक्टरिंग प्रॉब्लम आस्क यू टू आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर ऑफ एन ऑड इंटीजर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटेशनल चैलेंज। द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज सेट टू नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली। द फैक्टर इफेक्ट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द साइज ऑफ द इनपुट इंटीजर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द पैसिव कोड। पैसिव कोड का मतलब आपने बताना है। 62 और 63 पेज के ऊपर आंसर मिल जाएगा। पैसिव कोड अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन का मजमुआ सिंपली डिस्क्राइब इन प्लेन इंग्लिश इज कॉल्ड पैसिव कोड। उस तमाम प्लान को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पैसिव कोड कहलाता है। पैसिव कोड कैन बी व्यू एज अ कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड आइडिया फॉर सॉल्विंग इशू। पैसिव कोड एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड चीज़ों को सॉल्व करने का। इट इज़ इनफॉर्म वे टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्ट्रक्शन। ये इन्फॉर्म करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। इट ऑल्सो सर्व एज अ कम्युनिकेशन ऑप्शन डेट कैन हेल्प यू एक्सप्लेन योर आइडियाज टू दी अदर पीपल। नेक्स्ट जी, हाउ आर एल्गोरिथम यूज इन रियल लाइफ। एल्गोरिथम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, 52 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग अ टास्क डन टू बी डिस्क्राइब आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। एल्गोरिथम क्या है, ये डिफाइन करता है फाइनाइट एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इनपुट जो आपने दिया हुआ है उसका एक बेस्ट सोल्यूशन आउटपुट आपको फ्राहम करता है। इट कंटेन कंस्ट्रक्शन डेट वेन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है जब राइटर क्या होता है रिटन फॉर्म के अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई चीज़ हम प्रोग्राम एंटर करते हैं। दस एन एल्गोरिथम इज इम्पोर्टेंट टू डिवेल्प अ प्रोग्राम। तो जो एल्गोरिथम होता है ये एक अहम हिस्सा है प्रोग्राम को डिवेल्प करने का।
इवन फॉर द सेम टास्क टू एल्गोरिथम कैन बी परफॉर्म इन डिफरेंट वे। इसी तरह दो एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट वे से काम करते हैं। दिस इज बिकॉज देयर आर करंटली न्यूमेरियस सोल्यूशन विद वेरियस मेथड, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बेशुमार सोल्यूशन है और बेशुमार मेथड है। इट इज कंपेरेबल टू एडिंग वाटर ऑफ अ बकेट एट द यूज अ कंटेनर टू फिल इट ग्रेजुअली। ये कंपेयर करता है पानी भरने के लिए बकेट के अंदर और कंटेनर को फिल करने के लिए ग्रेजुअली। द अल्टरनेटिव इज टू यूटिलाइज अ पाइप दैट कैन बी फिल द वाटर ऑल एट वंस। इसके मुतबादर आप जो रास्ता अपना सकते हैं, आप उस कंटेनर को पाइप के जरिए भी पानी फिल कर सकते हैं। फॉर सेम प्रॉब्लम ई सोल्यूशन परफॉर्म डिफरेंटली। इसी तरह जो प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व करने के लिए हर एक का अपना अपना मेथड होता है। एडिशनली दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन इन अ पूल ऑफ सोल्यूशन। एग्जामिन ऑल द वेरिएबल लाइक कॉस्ट, टाइम कम्प्लेक्सिटी इट इज कंसिडरिंग हाउ लिटल लेबर विल बी रिक्वायर्ड एम्प्लॉइंग अ पाइप मे बी द बेस्ट अप्रोच इन दिस केस। नेक्स्ट नंबर 8 है, आर पैसिव कोड बेटर देन फ्लो चार्ट, के पैसिव कोड फ्लो चार्ट से बेहतर है। If yes, then explain why. अगर हाँ तो explain करें। तो आंसर आपने लिखना है, flowchart and passive code are both used before writing code, but passive code is linear, while a flowchart is not. Also, a flowchart is graphical, while passive code is technical. Next session number D है, write two pros and cons of computational thinking. Page 62 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, जिसके अंदर थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली है, थिंकिंग अहेड है, और थिंकिंग प्रोड्यूसली या फिर डिकम्पोजिशन है, और थिंकिंग कंकरेंटली है। एडवांटेजेस में क्या है, अलो अस टू मेक प्रिडिक्शंस, कैचिंग कैन स्पीड अप अ प्रोसेस, कैन बी डन विद फ्लो चार्ट ईटीसी, कंकरेंसी स्पीड अप द सॉल्यूशन। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, प्रिडिक्शन मार्केट यूज ट्रेंड्स एंड टेक्निकल फैक्टर कैन बी चैलेंजिंग टू मैनी फैक्टर डेट आर चेंजेबल मे बी मे मेन द स्कैनरियो इज टू कम्प्लेक्स टू मॉडल एक्यूरेटली, कैचिंग कैन बी कम्प्लीकेटेड टू इम्प्लीमेंट, कैचिंग रिक्वायर द करेक्ट डेटा टू बी फैक्ट फॉर द नेक्स्ट स्टॉप, इट मे नॉट बी इंटायरली पॉसिबल विद एन एंटर ड्राइवन अप्रोच रेदर देन अ प्रोडक्शनल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। नेक्स्ट है, वट डू यू मीन बाई हेल्पिंग प्रॉब्लम, How can we prove that the helping problem is undecidable? Page 62 के ऊपर इसका आंसर भी मौजूद है। The helping problem is a decision problem. Helping problem एक decision problem है. Helping means terminating or stopping our problem after a certain execution. Helping का मतलब है stop करना problem को जो आपने execute किया हुआ है function को. We are unable to create a generic algorithm that can be accurately predict whether a certain program will ever stop or not. ये क्या करता है, ये predict करता है कि जो program चल रहा है कि वो stop होगा कि नहीं होगा। Additionally, there is no generic algorithm that can also tell whether a certain program will complete it, execute and stop. Additionally, ये ना सिर्फ graphic algorithm बताता है बल्कि ये certain program को execute करता है और रोक भी सकता है। The best approach to run the application and check to see it stop or halts. Keep in mind that if our program does not halt, it can keep the CPU busy forever. In programming, we say it an infinite loop. Our programs should never get into infinite loops, otherwise the system will not work properly. Next, define the following terms. Apne terms batani hai, computational thinking ko, decomposition ko, abstraction ko aur flowchart ko. सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पेज नंबर 51 के ऊपर आंसर मौजूद है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स सेवरल प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव। जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो एक ऐसा सेट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके अंदर सेवरल करेक्टरिस्टिक्स और पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलो अस टू टेक अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो अलो करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन, कि हम इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन डेवलप करता है। वी कैन प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन अ वे दैट अ कंप्यूटर अ ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड, हम इसे एक इंसान या फिर दोनों कंप्यूटर और इंसान के तौर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं
it is important to learn computational thinking also for the development of computer programs. ये एक अहम चीज है, ये एक अहम thinking है develop करने के लिए program को solve करने के लिए. Next है decomposition. Decomposition, analyzing and breaking down a problem into smaller part to solve it in an organized manner and to make it easier to understand and manage. Decomposition क्या करता है, ये analyze करता है और break करता है problem को छोटे छोटे part के अंदर और फिर इनको solve करने की अहलियत रखता है. Next है abstraction. Abstraction, identify the general principle that generate these patterns as well as focusing on the important information only, ignoring irrelative details. अब abstraction क्या करता है, ये identify करता है general principle को और एक ही चीज़ के ऊपर focus करता है, एक ही problem के ऊपर focus करता है और जो irrelative problems होते हैं उससे ये महफूज रखता है. Next है flow chart. A flowchart is an other problem solving tool that represents an algorithm in pictorial form. Flowchart जो है ये एक अलग problem solving करने वाला tool है जो algorithm को picture के form के अंदर show करवाता है. It uses a set of symbol that represent various instruction and show to sequence and interconnection of function with the use of lines and arrow. ये क्या करता है, ये symbol को represent करके problem को solve करता है जिसके अंदर line और arrow होते हैं. ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग.